बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.1 के पहले पांच क्वेश्चन को डिस्कस किया। इंशाल्लाहुल अजीज इस लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या दिया गया जी? इक्वेशन दी गई है हमारे पास mx प्लस सी का स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। क्या कहा क्वेश्चन में? मैंने कहा फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। जो रूट्स हैं हमारे पास इक्वल हैं। क्या करेंगे? पहले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। a प्लस बी का स्क्वायर बन रहा है तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे? एम एक्स का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का एम एक्स इंटू सी माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। अभी हमारे पास क्या हो जाएगा? m का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2mc x माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? इसे अरेंज करेंगे एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx माइनस 4ax प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस यहां से हमारे पास 2x कॉमन निकाल लें 2mc माइनस 2a इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जब इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमें पता है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट होता है वो किसके इक्वल होता है? a के, ठीक है। और हमारे पास एक्स का जो कोफिशियंट है वो किसके बराबर होगा? बी के। तो बी यहां पर हमारे पास 2mc माइनस 2a के और c किसके इक्वल आ जाएगा? c स्क्वायर। डिस्क्रिमिनेंट DISC, ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल है? b स्क्वायर माइनस 4ac के। अब b हमारे पास किसके इक्वल है? 2mc माइनस 2a का स्क्वायर माइनस 4, a हमारे पास किसके इक्वल है? m स्क्वायर के और c हमारे पास c स्क्वायर के। अब इसका स्क्वायर खोलेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा? 4mc माइनस 2a का स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर खोल लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4mc का स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का mc इंटू 2a माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर। अब हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? 4m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4amc माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा? 4m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर माइनस 16amc माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर। 4m स्क्वायर c स्क्वायर 4m स्क्वायर c स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा? 16a स्क्वायर माइनस 16amc। अब हमें कोई क्वेश्चन के अंदर जो कंडीशन लगाई थी वो क्या थी? उन्होंने कहा था रूट्स इक्वल है। रूट्स कब इक्वल होते हैं? जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होता है। तो आप बताएंगे द रूट्स विल बी इक्वल इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 के। रूट्स आपस में तब होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 0 के इक्वल होता है। यहां से 16 ए स्क्वायर माइनस 16 ए एम सी
इज इक्वल टू जीरो के, तो 16 ए कॉमन निकाल लें, ए माइनस एम सी इज इक्वल टू जीरो के, इलेवन लगा जीरो के इक्वल रख लें, 16 ए इज इक्वल टू जीरो के इलेवन, ए माइनस एम सी इज इक्वल टू जीरो के, यहां से ए हमारे पास जीरो बाय 16, तो ए किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के, यहां से ए इज इक्वल टू एम सी के। अब रूट्स हमारे पास इक्वल तब होंगे जब ए जीरो के बराबर होगा या फिर हमारे पास ए किसके इक्वल होगा, एम सी के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन कौन सी है, सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर माइनस बी सी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू जीरो, और इक्वल इसमें रूट्स इक्वल होंगे कब, कब इक्वल होंगे जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जीरो के होगा। आगे बताता है कि देन हमारे पास ए किसकी इक्वल आना चाहिए, जीरो के, और हमारे पास ए की पावर थ्री प्लस बी की पावर थ्री प्लस सी की पावर थ्री इज इक्वल टू थ्री ए बी और सी के। ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दी गई है, तो क्या करेंगे इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से हम कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हेयर ए इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए बी कैपिटल ए लेटर, बी इज इक्वल टू माइनस टू ए स्क्वायर माइनस बी सी, सी हमारे पास है बी स्क्वायर माइनस ए सी। अब हम क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन जो तमाम हमने सॉल्व किए उनको दूसरे मेथड सॉल्व किए, तो यहां पर हम इसको लेफ्ट जीरो के बराबर एक दूसरा मेथड इस्तेमाल करते हैं। हम बताएंगे द रूट्स विल बी इक्वल इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू जीरो के, रूट्स कब जीरो के, जब रूट्स हमारे पास इक्वल कब होंगे, जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर होगा, तो क्या करेंगे, डी आई एस सी इज इक्वल टू जीरो, डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो के। वैल्यूज पुट करें, बी हमारे पास क्या है, माइनस टू ए स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर माइनस फोर, ए किसके बराबर है, सी स्क्वायर माइनस ए बी, और सी किसके बराबर है, बी स्क्वायर माइनस ए सी के। अब हमारे पास ये किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस टू का स्क्वायर फोर के, ए स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर माइनस फोर, इसका स्क्वायर खोल लेते हैं साथ ही, ये फोर ए के स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर माइनस टू फार्मूले का ए स्क्वायर इंटू बी सी माइनस फोर मल्टीप्लाई होगा सी, जब मल्टीप्लाई होगा बी स्क्वायर से, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए सी की पावर थ्री माइनस ए बी की पावर थ्री प्लस ए की पावर टू बी और सी के। ये भी हमारे पास जीरो की इक्वल है, ये भी जीरो इक्वल, क्या करेंगे हम, यहां से हम फोर कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है, ये कॉमन ऑलरेडी है, बाद में कॉमन का पे सिंपलीफाई कर लेते हैं, ए की पावर फोर प्लस बी की पावर टू सी की पावर टू माइनस टू ए की पावर टू बी सी माइनस फोर, बी की पावर टू सी की पावर टू ए सी की पावर थ्री माइनस ए बी की पावर थ्री प्लस ए की पावर टू बी सी इज इक्वल टू जीरो के। सबसे पहले फोर को कॉमन निकालते हैं, फोर को, बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, ए की पावर फोर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर
माइनस टू ए की पावर टू बी सी माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए सी की पावर थ्री प्लस ए बी की पावर थ्री माइनस ए की पावर टू बी सी इज इक्वल टू जीरो के। इधर भी फोर पे डिवाइड कर दें, इधर भी फोर पे ये जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास है, ए की पावर फोर प्लस बी की पावर टू सी की पावर टू माइनस टू ए स्क्वायर बी सी माइनस बी की पावर टू सी की पावर टू प्लस ए सी की पावर थ्री प्लस ए बी की पावर थ्री माइनस ए की पावर टू बी सी इज इक्वल टू जीरो। कैंसिल हो रहे हैं, क्या कैंसिल हो रहा है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास बाकी क्या बचेगा, ए की पावर फोर प्लस ए बी की पावर थ्री प्लस ए सी की पावर थ्री माइनस थ्री ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये टू ए स्क्वायर बी सी और माइनस ए स्क्वायर बी सी, तो क्या हो जाएगा थ्री ए स्क्वायर बी सी। यहां से बेटा कॉमन निकाल लें ए, जब ए हम कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास क्या बाकी आ जाएगा, ए की पावर थ्री प्लस बी की पावर थ्री प्लस सी की पावर थ्री माइनस थ्री ए बी सी इज इक्वल टू जीरो। ए को अलहदा जीरो के बराबर रख लें, ए की पावर थ्री प्लस बी की पावर थ्री प्लस सी की पावर थ्री माइनस थ्री ए बी सी इज इक्वल टू जीरो, ए की पावर थ्री प्लस बी की पावर थ्री प्लस सी की पावर थ्री इज इक्वल टू थ्री ए बी और सी। तो जी हमारे पास प्रूफ हो गया। आज के लेक्चर के लिए बेटा इतना ही काफी है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह वाला जी इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे। Thank you very much. Love is...